डीडी हाउसिंग स्कीम 2024 आ गई है। 19 तारीख से इसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन 19 तारीख से खुल जाएगा, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि डीडी की हाउसिंग स्कीम अपने आप में दिल्ली के अंदर अफोर्डेबल और प्रीमियम हाउसिंग खरीदने का एक सुनहरा अवसर है। अगर आप दिल्ली में एक फ्लैट बुक करने की सोच रहे हैं, तो आज मैं जो डिटेल शेयर करने जा रहा हूं उसे मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कई नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने वाली है, जिसमें हाईली एंटिसिपेटेड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2024 भी शामिल है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर फ्लैट्स की टाइप्स और डीडीए द्वारा इंट्रोड्यूस की गई वो सब कुछ एक्साइटिंग नई पॉलिसीज भी। आज इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन डीडीए के मकानों की, जो नई अफोर्डेबल स्कीम निकल रही है, प्रीमियम हाउसिंग निकल रही है, इसकी कंप्लीट डिटेल, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2024 से, जिसे 19 अगस्त को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। इस स्कीम के तहत करीब 40,000 फ्लैट्स इसके अंदर शामिल होंगे, जिसकी बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे की जाएगी। उसी दिन रिलीज होने वाला डीडीए ब्रोशर इस स्कीम से जुड़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको गाइड करेगा। इसके बाद डीडीए जनरल हाउसिंग स्कीम 2024 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें करीब 5400 फ्लैट्स एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के लिए होंगे। ये फ्लैट्स जसवला, लोकनायकपुरम, नरेला जैसी की लोकेशंस में होंगे, और इनकी स्टार्टिंग प्राइस 29 लाख से शुरू होगी। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रीमियम ऑप्शन की तलाश में हैं, तो डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 भी जल्दी लॉन्च की जाएगी। इस स्कीम में 173 फ्लैट्स होंगे, जो एमआईजी, एचआईजी और हायर कैटेगरीज में होंगे, और द्वारका के वेल कनेक्टेड सेक्टर 14, 16 बी और 19 बी में ये होंगे। ये फ्लैट ई ऑक्शन प्रोसेस के जरिए उपलब्ध होंगे, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस करीब 1.3 करोड़ रुपीज होगी। डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2024 के ई ब्रोशर के अंदर मिलेगी। तो चलिए अब समझते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2024 की डिटेल में इंफॉर्मेशन। जब इसमें गहराई से नजर डालते हैं, जिसे 19 अगस्त को लॉन्च किया जाना है, ये स्कीम खास तौर पे नेट वर्दी है, क्योंकि इसमें करीब 34,000 फ्लैट शामिल है, जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरीज में आते हैं। ये फ्लैट रामगढ़ कॉलोनी, सिरसापुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी और नरेला जैसी लोकेशंस में फैले हुए हैं। ये फ्लैट्स डिस्काउंटेड रेट्स पे भी उपलब्ध हैं, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 11.5 लाख से शुरू है, जिससे कि काफ़ी वाइड रेंज के बायर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है, मतलब कम बजट के लोग भी जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो फ्लैट्स हैं डीडी के अनसोल्ड इन्वेंट्री है, तो इसीलिए यहाँ कुछ प्राइस को डिस्काउंट भी किया गया है। या तो पहले कीमत सही नहीं चुनी गई, या अब अथॉरिटी को लगा कि इस कीमत पर नहीं बिकेगा, तो इसके प्राइस को रिड्यूस किया जाए। तो आप इस लोकेशन पर भी जाके ज़रूर इवेल्युएट कर लें। इस स्कीम के लिए बुकिंग प्रोसेस जो है, वो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे डिपेंड होगा, मतलब उसी के बेस के ऊपर किया जाएगा, इसीलिए पहले से तैयार रहना आपको ज़रूरी है। एक फ्लैट बुक करने से पहले कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको डीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने का क्या है प्रोसेस, चलिए ये भी आपको बताता हूँ। डीडी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पैन नंबर को डीडी पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। जब बुकिंग ये ओपन होती है, तब आप पैन नंबर को अपना रजिस्टर करते हैं, और आपको सफिशिएंट टाइम भी दिया जाता है, और उससे आप अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और पैन नंबर आपका यूज़र आईडी भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, जो आपके पैन नंबर के साथ बुकिंग प्रोसेस के लिए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे। अकाउंट सेटअप करने के बाद आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर बुकिंग प्रोसेस में एलिजिबल होने के लिए नॉन रिफंडेबल पेमेंट करना होगा। अब समझते हैं पेमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
पिछले कुछ वर्षों में रजिस्ट्रेशन फीस की हम बात करते हैं तो करीब 2022 में 1300 थी, 2023 में 2500 की गई, 2024 में एग्जैक्ट अमाउंट अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन यह भी लगभग इसी रेंज में होने की संभावना है। ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन आपको बुकिंग प्रोसेस में भाग लेने के लिए एलिजिबल बनाती है, तो आपको ये रजिस्टर करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बाद क्या करना है? रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बाद स्कीम लाइव होते ही आप अपना फ्लैट बुक करने के लिए तैयार होंगे। ध्यान रहे कि बुकिंग अमाउंट फ्लैट कैटेगरी के आधार पर अलग अलग होंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, 2023 में बुकिंग अमाउंट EWS के लिए 50,000, LIG के लिए 1,00,000, MIG के लिए 4,00,000 और HIG के लिए 10,00,000 रुपए थे। ये अमाउंट आपके फ्लैट की टोटल कॉस्ट में एडजस्ट होंगे, क्योंकि ये आप अभी इनिशियल पे कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट में वो एडजस्ट हो जाएंगे अगर आपकी यूनिट कन्फर्म होगी तो। और अगर आप फ्लैट सरेंडर करने का निर्णय लेते हैं तो ये रिफंडेबल नहीं होगी, क्योंकि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा। इनकम क्राइटेरिया, अधिकांश कैटेगरी जैसे LIG, MIG और HIG में कोई भी किसी भी टाइप की इनकम रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर नहीं है, मतलब अभी तक संभावना यही है कि किसी टाइप की रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर नहीं आने वाली। हालांकि EWS के लिए आपके परिवार की जो टोटल इनकम है, एनुअल टोटल इनकम 10,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम इस थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो आपको EWS के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, और आपको प्रूफ के रूप में इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब समझते हैं कि DDA की जनरल द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 क्या बोलती है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। और DDA की जनरल हाउसिंग स्कीम 2024 की, जिसमें लगभग 5400 फ्लैट हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें ऑफर किए गए हैं। ये फ्लैट जसोला, लोकनायकपुरम, नरेला जैसी वेल डेवलप्ड एरिया में उपलब्ध होंगे। इन फ्लैट की स्टार्टिंग प्राइजेस जो है वो लगभग 29,00,000 से शुरू होगी, जो दिल्ली में घर की तलाश करे मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा DDA द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 एक प्रीमियम सिलेक्शन के साथ जाएगी, जिसमें 173 MIG, HIG और हायर कैटेगरी फ्लैट शामिल होंगे, जो द्वारका सेक्टर 14, 16B और 19B में स्थित होंगे। ये फ्लैट्स ई ऑक्शन प्रोसेस के जरिए बेचे जाएंगे और बिल्डिंग का स्टार्टिंग प्राइस लगभग 1.3 करोड़ रुपीज होंगे। द्वारका की वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली के की एरियाज के निकटता के कारण ये फ्लैट्स अपस्केल लिविंग स्पेसेस की तलाश पर रहे लोगों के लिए बेहतर और डिजायरेबल बनते हैं। चलिए अब समझते हैं न्यू पॉलिसीज और की डिसीजंस जो DDA ने लिए हैं। इन हाउसिंग स्कीम के अलावा DDA ने अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन के लिए कई नई पॉलिसीज को भी इंट्रोड्यूस किया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण अपडेट कम्युनिटी हॉल के लिए नई पॉलिसी है। इस पॉलिसी का महत्व क्या है, इस पॉलिसी के तहत क्या चीज आती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन बुकिंग, कम्युनिटी हॉल और उनसे लगे ओपन फंक्शन स्पेस को अब आप DDA के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये जो बुकिंग सिस्टम है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर काम करेगा। अब जैसे कि आप अपने इवेंट से 120 डेज पहले इसको बुक कर सकते हैं, और इवेंट से एक दिन पहले तक बुकिंग संभव होगी। उसके बाद चाहेंगे तो शायद वो पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि अगले दिन तो फंक्शन नहीं है, और आपको 120 डेज का विंडो मिलता है। एक बार से ज़्यादा 5 दिनों के लिए, मतलब एक दिन से ज़्यादा 5 दिनों तक के लिए हॉल बुक कर सकते हैं। ये तो है कम्युनिटी हॉल से रिलेटेड सारी अपडेट, क्योंकि ये भी DDA ने बदलाव किया है और आपको ये खबर भी पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं एडिशनल फैसिलिटीज की। मल्टीपर्पज हॉल के अंदर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उसको इंश्योर करने के लिए अब इनके अंदर जिम फैसिलिटी, योगा रूम, रीडिंग रूम और अन्य एमिनिटीज भी इसके अंदर डाली जा रही है। इन स्पेसेस को फूड कियोस्क और ATM की भी व्यवस्था होगी इसके अंदर। इसके अलावा DDA ने रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन पूरा करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। ये एक्सटेंशन कंपोजिशन फी के पेमेंट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इश्यूएंस के बाद ही उपलब्ध हो पाएगी। तो ये तो थी सारी जानकारी। थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। DDA की आने वाली स्कीम, नई पॉलिसीज, दिल्ली में प्रॉपर्टी में निवेश के लिए जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए बेहतरीन अवसर प्रोवाइड कर रही है, चाहे आप अफोर्डेबल हाउसिंग लें या प्रीमियम फ्लैट्स लें।
या सभी के लिए कुछ ना कुछ है। 19 अगस्त को आपको कैलेंडर में जरूर मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस दिन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2024 लॉन्च की जाएगी और साथ ही डीडी ब्रोशर भी रिलीज होगा। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप दिल्ली के रियल एस्टेट से जुड़ी सारी अपडेट्स यहाँ पा सकें। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हम कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी, रियल एस्टेट से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको दें। और इसे रेगुलर देखने के लिए और आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी सुनने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। नमस्कार एंड जय हिंद।